यीशु मसीह आप कल आज और युगान युग एक से परमेश्वर हो, आप कभी बदलते नहीं हो और आप वायदे के पक्के परमेश्वर हो, क्योंकि आपका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन नहीं टलेगा। हम विश्वास करते हैं जैसा आपने कहा है वैसा ही है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह आप हमारे बीच में उपस्थित हो। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह आप हमारे बीच में उपस्थित हो। यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर मंडरा रहा है। यीशु मसीह के आत्मा को हम इस जगह पर आमंत्रित करते हैं। प्रियो अपने आप को सारे बंधनों से आजाद कर दो यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो बंधन जो आपको यीशु मसीह की आराधना करने से रोक रहा है उसे तोड़ दो यीशु मसीह के नाम से। अपनी आवाजों को उठाओ और अपने आप को आजाद करो यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, यीशु मसीह की आराधना करने के लिए। क्योंकि जहां यीशु मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां यीशु मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां स्वतंत्रता है, वहां स्वतंत्रता है, वहां स्वतंत्रता है। जहां यीशु मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां यीशु मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां यीशु मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां यीशु मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां यीशु मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया हालेलुया होली स्पिरिट वी वेलकम यू। पवित्र आत्मा देव मैं और हम इस जगह पर आपको आमंत्रित करते हैं। यीशु मसीह के आत्मा, जब यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए तब आप अपनी उपस्थिति से हर लोगों को भर देना। आज यीशु मसीह अपनी महिमा को इस जगह पर उंडेलना चाहता है। क्या आप तैयार हो? अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं आप उसके साथ सहमत हो कि नहीं हो वो आपके जवाब के द्वारा बोलना, ताकि परमेश्वर को और इस आत्मिक जगत को पता चले कि आप इस यहां पर किस लिए उपस्थित हो। हाउस ऑफ प्रेयर की कलीसिया, जब यीशु मसीह का नाम इस जगह पर ऊंचा उठाया जाएगा तब यीशु मसीह आप ही इस जगह पर उपस्थित हो जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? यीशु मसीह की कलीसिया, जब यीशु मसीह का नाम इस जगह पर ऊंचा उठाया जाएगा तब यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर चलायमान होगा और अपने आप को इस जगह पर प्रकट करेगा और आप अपने काम को आपके जीवन में प्रकट करेगा। क्या आप इससे सहमत हो? यीशु मसीह की कलीसिया, क्या आप पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से आज यीशु मसीह की आराधना स्तुति करने के लिए सहमत और तैयार हो? हालेलुया। चलो ताली बजा कर यीशु मसीह को धन्यवाद करें। आज हम जो गाना सीखने जा रहे हैं वो है लहू लहू, यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। आगे कहता है बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावंत का रूह फरमाता है, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है। एक बार एक छोटा बच्चा था, अगर मेरी गलती नहीं हो रही है तो 3 या 4 साल का था, और अचानक से उसके कान में से, उसके आंख में से और उसके मुख में से खून निकलने लगा और उसके मम्मी बहुत ही चिंतित हो गए और उसने परमेश्वर के दास को आमंत्रित किया कि वो उसके लिए प्रार्थना करे। और जब परमेश्वर के दास यीशु मसीह के दास यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे थे तभी अचानक उसकी जो आया थी उसमें दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ और उसने कहा कि ये मेरा है, मैं इसको किसी को ले जाने नहीं दूंगी, थोड़े ही दिन में मैं इसे मार डालूंगी।
और वो दुष्ट आत्मा बड़ी बड़ी आंखें करने लगी, बड़ी बड़ी जुबान बाहर निकालने लगी। और तभी परमेश्वर के दास ने सिर्फ इतना किया, उस छोटे बच्चे को यीशु मसीह के लहू से ढांप दिया और तुरंत ही वो दुष्ट आत्मा चीखने लगी, वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है, मुझे वो बच्चा दे दो, मेरे भेजने वाले को मैं क्या जवाब दूंगी, मैं क्या करूंगी। अभी वो यीशु मसीह का लहू हमें सारी बुराइयों से, सारी दुष्टात्माओं से और सारे बंधनों से आजाद करता है, छुड़ाता है और सुरक्षित रखता है। हालेलुया। आए हम साथ मिलके इस गाने को गाए और आगे का स्ट्रेंजा कहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। वो यीशु मसीह हमारे दिल में रहना चाहता है और अपने मसा से, अपने रूह से हमें भरना चाहता है। हालेलुया। आगे का स्ट्रेंजा कहता है, डरे डरे ना हरगिज डरे, खुदावंत का रूह समझाता है। विजय विजय, शैतान पर विजय कौन दिलाता है? यीशु मसीह। बहुत 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 धीरे आवाज में आपने बोला, कौन दिलाता है शैतान पर विजय? हालेलुया। आए यीशु मसीह की महिमा करते हुए गाए। रूह पर माता है, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे तोड़ता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु चाहता। फिर से गाएंगे, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा
भरना चाहता है लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। डरे डरे ना हरगिज डरे, खुदावंद का रूह समझाता है। डरे डरे ना हरगिज डरे, खुदावंद का रूह समझाता है। विजय विजय शैतान पर विजय, विजय विजय शैतान पर विजय, यीशु मसीह दिलाता है लहू लहू यीशु का लहू। ताली बजाते हुए से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू। ताली बजाते हुए हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े हे खुदावंद का रूह फरमाता है, बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावंद का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा, रूह से भरना चाहता है लहू लहू यीशु का। ताली बजाते हुए से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। डरे डरे ना हरगिज डरे, खुदावंद का रूह समझाता है। डरे डरे ना हरगिज डरे, खुदावंद का रूह समझा, फिर से गाएंगे। डरे डरे ना हरगिज डरे, खुदावंद का रूह समझाता है। विजय विजय शैतान पर विजय, विजय विजय शैतान पर विजय, कौन दिलाता है? यीशु मसीह दिलाता है लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से ताली बजा दो। मसा मसा मसीह का मसा, मसा
लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावन का रूह फरमाता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावन का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता। फिर से गाएंगे, खुदा खुदा हमारा खुदा ऊंची आवाज से रहना चाहता। फिर से, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। करे डरे ना हरगिज़ डरे खुदावंद का रूह समझाता है। करे डरे ना हरगिज़ डरे खुदावंद का रूह समझाता है। विजय विजय शैतान पर विजय, विजय विजय शैतान पर विजय यीशु मसीह दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। ऊंची आवाज से गाएंगे, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। पूरे दिल से गाएंगे, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू
यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया, वो यीशु मसीह का लहू हमें गुनाहों से भी धोता है और हमें उसके मसा से भी अभिषेक से भी भरता है। आए हम यीशु मसीह को महिमा देते हुए गाएं, छुटकारा छुटकारा यीशु नाजरी ने दिया छुटकारा। हालेलुया, किससे दिया छुटकारा? अरे किससे दिया छुटकारा? यीशु नाजरी ने आपसे किसको छुटकारा, किससे छुटकारा दिया? पापों से, शैतान से, फना से। आगे का स्टेंजा कहता है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लतारा लतारा, आदम हवा के द्वारा जो पाप हमारे अंदर मनुष्य जात के अंदर आया था, उसके कारण शैतान को हर प्रकार का मौका मिल गया था कि वो हमें लूट ले, हमारी शांति को लूट ले, हमारे आनंद को लूट ले, हमारी चंगाई को लूट ले, हमारे सब कुछ को लूट ले, और उसने लूटा भी था। पर परमेश्वर ने स्वर्ग में से देखा, मेरे बच्चों को लूटा जा रहा है, और वो उतर आया स्वर्ग में से नीचे। हालेलुया, जिस लुटेरे ने यीशु मसीह के बच्चों को लूटा था, उस लुटेरे को लूट लिया गया। हालेलुया, ना सिर्फ लूटा गया पर उसे इसमें लिखा है, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। कुदरत यानी ये दुनिया, पाप के कारण दुनिया पे शैतान को अधिकार था, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा शैतान को अभी कोई अधिकार नहीं रहा। जो कोई यीशु मसीह का बेटा है उस पर शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया, आगे का स्ट्रेंजा कहता है, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 17-18 कलम कहती है, आयत कहती है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और जीवित हूं, और मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवित हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। हालेलुया, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, वो मेमना जो हमारे पापों के लिए वध हो चुका था, तीसरे दिन मृतकों में से सजीवन हुआ, वो यहूदा का बब्बर है। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 5:5 में कहा गया है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया, जब यीशु मसीह मृतकों में से सजीवन हुआ, उसने ऐसी दहाड़ मारी, ऐसी दहाड़ मारी कि उस दहाड़ की गूंज आज तक गूंज रही है, और शैतान उससे आज तक परेशान हो रहा है। हालेलुया, आगे का स्टेंजा कहता है, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहां वो हम वहां है जाने को। इस पृथ्वी तक ही हमारी आशा सीमित नहीं है, इस पृथ्वी तक ही हमारी आशा सीमित नहीं है, एक दिन यीशु मसीह हमें लेने वापस आएगा और हम उसके साथ युगान युग रहेंगे। ना केवल वो हमें वापस लेने आएगा, पर आगे कहते हैं, आगे का स्टेंजा कहता है, हो गए इकट्ठे दोबारा दोबारा। जितने भी लोगों ने अपने प्रियजनों को इस दुनिया में खो दिया है, प्रियो यीशु मसीह में क्या ही बड़ी उम्मीद है कि हम एक दिन उनको वापस मिलेंगे। वो यीशु मसीह जो यहूदा का बब्बर है, जो मेमना वध हुआ था हमारे पापों के लिए, वो हमें मिलाएगा। क्रिस्टो भैया उनके पापा से मिलेंगे, अमित भैया उनके पापा से मिलेंगे, स्तुति दीदी उनकी मम्मी से मिलेंगे, अमित भाई, सुधीर भाई उनकी मम्मी से मिलेंगे, मैं भी अपनी मम्मी से मिलूंगा। ये आशा मेरे जीवते यीशु मसीह में मेरे को है। उसके साथ ही हम दूसरा गाना लेंगे, ए यहोवा मेरे बादशाह, हमद मैं तेरी करूं, तू है परस्तिश के काबिल खुदा, हमद मैं तेरी करूं, मेरे खुदावन तेरी सना मैं जिंदगी भर गाऊंगा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। आगे का स्टेंजा कह रहा है, रूह में बढ़ता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा, कैसे भी हालातों में महिमा तेरी गाऊंगा,
डर नहीं तूफानों का मुझे, तू जो संग है रूबरू। वो कश्ती तूफानों से क्या ही डरेगी जिसका खेवन हारा यीशु है। हालेलुया। यीशु मसीह अगर हमारी कश्ती में है, हमारी नैया पार लगनी कंफर्म है। आगे का स्टेंजा कहता है, जब सिताइश होती है रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है। सिताइश का मतलब है जब आराधना होती है तब यीशु मसीह की रूह की बारिश होती है, और यीशु मसीह की रूह हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है। रूह की जुम्बिश यानी पवित्र आत्मादेव चलायमान होते हैं। और आगे का स्टेंजा कहता है, अपनी कुवत से ऐ खुदावन रूह मेरी भर दे, क्योंकि क्योंकि आप लोग गाएंगे हमारे साथ, जुड़ेंगे इस आराधना स्तुति में, नए गाने पर प्लीज इस गानों के साथ जुड़ो, क्योंकि यीशु मसीह अपनी महिमा को जाहिर करना चाहता है। हालेलुया। आइए हम साथ मिलके गाएं, छुटकारा छुटकारा। ताली बजाते हुए एक साथ मिलके, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा, गुनाह से शैतान से पना से, गुनाह से शैतान से पना से, से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना। क्या दिया है? छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, कुदरत से शैतान लतारा लतारा। आए साथ मिलके गाए, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू, बीमारी पाप का जादू टूटा, किसने लूटा है? यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, कुदरत से शैतान लतारा लतारा, कुदरत से शैतान लतारा लतारा, छुटकारा छुटकारा
बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, कुदरत से शैतान लतारा लतारा, कुदरत से शैतान लतारा छुटकारा 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 यीशु नाज़री।
यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बश होती है, अपनी कुवत से खुदा रूह मेरी भर दे, अपनी कुवत से खुदा रूह मेरी भर दे, क्योंकि
धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सारे बंधनों से आजाद किया है पिता। यीशु मसीह, आप कोई मरे हुए परमेश्वर नहीं हो जो हमारी आवाज को सुन ना सको पिता। ऐसा कोई अंधकार नहीं है जो मैं आपसे छुपा सकता है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम चले जाए और आप हमें ढूंढ ना सको। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें बंधनों से मुक्त किया है, आप हमारे जिंदा खुदा हो यीशु मसीह। यीशु मसीह, ना केवल आपने हमें बंधनों से आजाद किया है, पर आपका रूह, पाक रूह हमारे अंदर बसने के लिए, सदा के लिए बसने के लिए भेज दिया है। और हम आपका धन्यवाद करते पिता कि ये समय जिसमें हम अभी जी रहे हैं, आपने एक बहुत ही बड़ा वचन दिया है। ये अंतिम समय का अंतिम अभिषेक पिता आपने हमारे लिए रखा है, हम आपका धन्यवाद करते पिता। आंखें बंद रखेंगे, आगे का सॉन्ग है, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। परमेश्वर का वचन योएल की किताब में उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा चैप्टर और 23वीं आयत ये कहता है, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। हालेलुया। और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। यहां पर जब हम आगे का स्टेंजा देखते हैं कि अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का ले क्या, नदी आत्मा की हम पर बहा। उसमें प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उससे उसकी 1-4 आयत कहता है, जब पैंतीकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह पर इकट्ठे हुए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। ये जो हुआ था वहां पर, ये प्रथम वर्षा थी। ये प्रथम वर्षा की बात की गई है। जो अंतिम वर्षा की बात है वह भी उंडेला जाना बाकी है। प्रियो, आज ऐसी आराधना करो यीशु मसीह की, ऐसी उसकी आराधना करो कि वो मजबूर हो जाए कि अंतिम दिनों का अभिषेक उंडेला जाए गुजरात पर उसकी शुरुआत यहां से हो। सब कुछ भूल जाओ, कोई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब कुछ भूल जाओ, कोई मायने नहीं रखता। यीशु मसीह के आगे सच में कोई मायने नहीं रखता। आगे का स्टेंजा कहता है, सुखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा से नबुवत करूं। जब परमेश्वर के दास इजिकियल को परमेश्वर, इजिकियल 27:1-10 में ये लिखा है, जब परमेश्वर इजिकियल को सुखी हड्डियों की तराई में लेके गए और उससे पूछा, हे मनुष्य पुत्र, क्या ये सुखी हड्डियां जी सकती है? इजिकियल ने कहा, मुझे तो नहीं पता परमेश्वर, आपको ही पता है। परमेश्वर ने कहा, भविष्यवाणी कर, मैं इन सुखी हड्डियों में नसे और मांस भरूंगा और उस पर चमड़ी ला दूंगा। और इजिकियल ने भविष्यवाणी की और कड़ाहट सी आवाज आई और हड्डियां जुड़ने लगी और मांस बनने लगा और चमड़ी लगने लगी, पर वचन में लिखा है उनमें जीवन का सांस नहीं था। परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य पुत्र, भविष्यवाणी कर कि जीवन का श्वास चारों ओर से इस शब पर आ जाए, इस शरीर पर आ जाए और वे जीवती सेना हो जाएगी। उसने परमेश्वर के कहे अनुसार भविष्यवाणी की। और ये जो जीवन का सांस कहा गया है वो क्या है आपको पता है? पवित्र आत्मा। और चारों ओर से पवित्र आत्मा बहने लगा
और वो जीवते हुए उठे। जो भी खिन तराई में जो भी सुखी हड्डिया थी वो जी उठी और एक बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। आगे का सजा कहता है कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कापा वही अग्नि को हम पर तू भेज। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, इसराइल प्रजा परमेश्वर से दूर हो गई थी, तब परमेश्वर ने एलिया नबी को खड़ा किया और एलिया ने आहाब राजा से कहा, इसराइल के राजा से, कि जीवते यहोवा का सम, जीवते यहोवा के जीवन की सौगंध, मेरे कहे बिना इसराइल में बारिश ना होने पाएगी। और ऐसा ही हुआ। 3 साल तक वहां पर सूखा रहा और तीसरे साल परमेश्वर ने एलिया से कहा, जा अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत कर, मैं बारिश भेजने जा रहा हूं। और एलिया जब आहाब के सामने प्रस्तुत हुआ, आहाब को उसने कहा, तू जो 450 बाल के भविष्यवक्ता और अशेरा के जो 450 भविष्यवक्ता है और इसराइल की सारी सेना इकट्ठे मिलके कर्मेल पर्वत पर आ जाओ, यहोवा बारिश भेजेगा। और उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई और बाल के संदेशवाहकों ने बाल के लिए वेदी बनाई। और उसने कहा, जो अग्नि भेज के उत्तर दे वो ही सच्चा परमेश्वर है। बाल के भविष्यवक्ताओं ने सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थनाएं की, अपने आप को घायल किया, बाल की दुआएं दी, कुछ नहीं हुआ। और वचन में लिखा है, संध्या काल के समय में जब एलिया वेदी पर अपने जो भी चीजें थी वो रखी और उसने यहोवा को सिर्फ प्रार्थना की, और वचन में लिखा है, स्वर्ग में से अग्नि ने आकर सारे अर्पण को खाक कर दिया और सब लोग डर गए। इसराइल चौंक उठा कि यहोवा ही परमेश्वर है, और आप भी थर थर कांपने लगा। यहां पर खत्म नहीं होता। एलिया कर्मेल पर्वत की चोटी पर गया और अपने घुटनों के बल आकर, अपने मुंह को झुकाकर उसने यहोवा से प्रार्थना की कि वो बारिश भेजे। और उसने अपने चाकर को पर्वत की चोटी पर भेजा और कहा, देख समुन्दर में क्या बादल दिख रहा है। वो गया और उसने कहा, ना नहीं दिख रहा है। उसने फिर से कहा, जा देख क्या तुझे दिख रहा है। वो वापस आया, उसने बोला, ना मुझे नहीं दिख रहा है। उसने फिर से भेजा, जा देख क्या तुझे दिख रहा है बादल। उसने बोला, ना नहीं दिख रहा है। उसने 7 बार ऐसा किया और जब 7वीं बार वो चेला उसका वापस आया, उसने कहा, मैं बादल को देख रहा हूं जो मनुष्य की सी हथेली का है, वो समुन्दर से बाहर आ रहा है। प्रियो, आज तक अभी तक तुमने जो भी देखा वो आने वाले बहुत ही बड़ी वर्षा की निशानी है। अभी तक जो था वो छोटा बादल समुन्दर में से उठ रहा था, अभी जो आने वाला है बहुत ही बड़ा है। हालेलुया। आगे का स्टैंजा कहता है, सिनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इसराइल के खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज। निर्गमन के पुस्तक उसका 19वां अध्याय 18 कलम में कहता है, और यहोवा अग्नि के द्वारा सिनाई पर्वत पर उतरा, और यहोवा अग्नि के द्वारा सिनाई पर्वत पर उतरा। कितने लोग आज उस पर्वत के समान बनना चाहते हैं, कितने लोग ये कहना चाहते हैं, हे यहोवा मैं वो सिनाई पर्वत के समान बनना चाहता हूं जिस पर तू अपनी अग्नि के द्वारा उतरे, ठहरे और लोगों से बात करे। कितने लोग उस अग्नि के और भूखे हैं और प्यासे, उस आग के भूखे और प्यासे, वे तृप्त किए जाएंगे। आए प्रियो, साथ मिलके ये गाना गाए। आपको नहीं आता है फिर भी गाने की कोशिश कीजिए और पवित्र आत्मा में लीन हो जाए और पवित्र आत्मा में मगन होकर ये गीत गाए। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान
सुखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा से नबुवत करूं। फिर से गाएंगे, हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी पवित्र आत्मा से नबुवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का ले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के ऐ खुदा वही अग्नि को हम पर तुबे। सिन्नै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के ऐ खुदा वही अग्नि को हम पर तुबे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का ले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का ले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुबे, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुबे, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। सुखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तो दे, पवित्र आत्मा से नबुवत करूं। सुखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तो दे, पवित्र आत्मा से नबुवत कर। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान है।
तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। कार्मेल पर्वत, कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखू, आहाब जैसे कपा वही अग्नि को हम पर डूबे, कारगिल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखू, आहाब जैसे कपा वही अग्नि को फिर से, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान कह जा, जो का तू पाताली बजाते हुए, नदी आत्मा की हम पर बा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान कह जा, जो का तू पान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बा। पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के खुदा वही अग्नि को हम पर डूबे, सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के खुदा वही अग्नि को हम पर डूबे, अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहरा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, ताली बजाते हुए ठहरा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे, कटने का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे, कटने का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान का धूपा निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान कह जा, जो का धूपा निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, ऊंचे आवाजों में, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, पवित्र आत्मा देव हम इस जगह पर आपको आमंत्रित करते हैं, हर एक व्यक्तियों के जीवन में, मेरे जीवन में हम आपका स्वागत करते हैं पिता, आपकी इच्छाएं आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए, आपका आत्मा हमारे अंदर बसने पाए, और वो अंतिम दिनों का अभिषेक जो आपने हमारे लिए रखा है वो आप हमें हम पर उंडेल दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। पिता सारा आदर सारा मान सारी महिमा हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लाते हैं, सुने और ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से।